सो द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज बोए विच मीन्स बढ़ावा देना सो द सेंटेंस आई हैव फॉर्म अ वेरी फनी सीन आई हैव टेकन बाबू राव इज बोइंग शाम टू बीट राजू एंड दिस इज अगेन एन आइकॉनिक मूवी हेरा फेरी इन विच यू कैन सी इन द पिक्चर बाबू राव इज बोइंग शाम टू बीट राजू बाबू राव जो है वो शाम को बोए कर रहा है बढ़ावा दे रहा है राजू को मारने के लिए देन द नेक्स्ट वर्ड इज इनकमोडियस विच मीन असुविधाजनक और कॉजिंग डिसकंफर्ट सो द सेंटेंस देंटेंस फॉर्मड दे सैट ऑन द फ्लोर बिकॉज द लंपी काउच वॉज इनकमोडियस वो सोफे पर सोफा जो था वो लंपी था मतलब वो ढेलेदार था उस पर लम्ब्स थे सो so, वो अनक इनकमोडियस था वो असुविधाजनक उनको लग रहा था सो दैट्स वाई दे सेट ऑन द फ्लोर सो द सेंटेंस इज दे सेट ऑन द फ्लोर बिकॉज दे द लंपी कउच वॉज इनकमोडियस एंड अगेन यू कैन को रिलेट दिस पिक्चर एंड द सेंटेंस विद द वर्ड दैन द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्पररी कंटेम्पररी मीन्स मॉडर्न प्रेजेंट डे और आधुनिक इन हिंदी इट इज आधुनिक और मॉडर्न सो द सेंटेंस आई हैव फॉर्म्ड एज़ यू हैव यू मे हैव वॉच्ड द मूवीज लाइक बाहुबली एवेंजर्स एंड गेम अवतार ऑल दिस मूवीज हैड कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉडर्न दे मॉर्डर्न डे और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी सो देंटेंस इज़ फिल्म्स लाइक बाहुबली अवेंजर्स एंड गेम अवतार यूजड कंटेंपररी टेक्नोलॉजी एंड वी एफ एक्स बाहुबली अवतार एवेंजर अवेंजर्स ये सब मूवीज में आधुनिक टेक्नोलॉजी और वी एफ एक्स थे कंटेम्पररी मीन्स आधुनिक इन हिंदी देन स्टैम्पेड विच मीन्स भगदड़ इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड इट इज़ जनरली यूज इन द न्यूज़पेपर्स स्टैम्पेड ऑफ पीपल और स्टैम्पेड ऑफ कैम कैमल्स सो स्टैम्पेड मीन्स देन द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कोर्स Which means, so the sentence I have formed people were discoursing in party, people log kya karate party me discourse karate matlab bath and again you can correlate the picture with the sentence and the word. Then the next word is molder, which means galna ya sadhana. And the sentence I have formed, I found this. एप्पल्स मोल्डरिंग इन द कबर्ड मुझे ये एप्पल सड़ा हुआ मिला या मोल्डर होता हुआ मिला इन द कबर्ड कबर्ड में सो मोल्डर मीन्स गलना या सड़ना देन पॉलीमैथ विच मीन्स बहुत होशियार या ज्ञान वाला वेरी टैलेंटेड वेरी शार्प माइंडेड दैट मीन्स पॉलीमैथ सो आई कुड नॉट फाइंड बेस्ट एग्जाम्पल देन दिस सी आई हैव टेकन वेरी गुड एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत हैड ऑल इंडिया रैंक सेवन इन ए आई ट्रिपली विच शोज ही वॉज पॉली मैथ सुशांत सिंह राजपूत का ऑल इंडिया रैंक जो था वो ए आई ट्रिपली में कितना था सेवन था जो कि शो करता है वह बहुत ज्यादा होशियार थे ही वॉज नॉट ओनली अ गुड एक्टर बट ऑल्सो अ वेरी टैलेंटेड वन टैलेंटेड पीपल सो अगेन यू कैन कोरिलेट द पिक्चर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ही वॉज सो पॉलीमैथ मीन्स ही वॉज टू टैलेंटेड जीनियस बहुत होशियार था वो देन द नेक्स्ट वर्ड इज वैसीट विच मीन्स संदेह करना या शक करना एंड अगेन द सेंटेंस आई हैव टेकन एज करीना इज वैसिनेटिंग अजय यू मै हैव वॉचड गोलमाल टू इन विच करीना कपूर वैसिनेट्स अजय देवगन सो द सेंटेंस आई हैव फॉर्म्ड करीना इज वैसिनेटिंग अजय Means Karina, Ajay Dev Sande Kariti, Shakar And again you can correlate the picture with the word. Then the next word is Dearth. Dearth means Akalia Scarcity. And the sentence I have formed, Dearth of Water was listed as one of the largest global risk by World Economic Forum. This was the headline in newspaper in which they wrote डे ऑफ वॉटर मीन्स स्कार सिटी अकाल ऑफ पानी पानी के अकाल इट इज़ कंसिडर्ड और इट इज लिस्टेड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल रिस्क ये ग्लोबल रिस्क में माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क माना गया है एंड इट इज गिवन दिस इट इज़ लिस्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लिस्ट किया है सो डे मीन्स स्कार सिटी और अकाल सो दिस वॉज द वीडियो ऑन हाई फ्रीक्वेंसी और टफ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मोर वर्ड्स Like this. Thank you.